की झड़ी लगती हुई नजर आ रही है। रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं का दूसरी पार्टियों पर अब नजर है। ये तीन तस्वीरें आप देख रही हैं। लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया है। कर्णदेव कंबोज ने भी देखिए पार्टी छोड़ दी है। सुखविंदर मांडी ने भी रिजाइन कर दिया है। लक्ष्मण नापा का हम जिक्र करें, आज वो कांग्रेस भी ज्वाइन करने वाले हैं। कर्णदेव कंबोज और सुखविंदर मांडी का क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हरियाणा न्यूज पर अभी आप सुन रहे थे हमारे विशेष संवाददाता रवि कालरमन जब बातचीत कर रहे थे लक्ष्मण नापा से, तो वो कहते हुए नजर कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, देखिए लक्ष्मण नापा जो है उनकी टिकट कटी है, जिसके बाद वो काफी नाराज नजर आए हैं और आज देखिए वो कांग्रेस भी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए इसमें कोई दोहरे नहीं है। 2019 के दौरान इनको टिकट मिला था और उन्होंने रतिया में पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी और कमल का फूल पहली बार रतिया में खिला था जी। और उसको लेकर अब जो हालांकि टिकट अनाउंस से पहले ही जो सरपंच है रतिया के काफी मात्रा में थे, कार्यकर्ता थे और जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी थे जो विधायक है लक्ष्मण दास नापा। इन्होंने एक लेटर पैड जारी किया था पार्टी के नाम, कहा था कि बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाए, बाहरी व्यक्ति को टिकट दी गई तो वह इसका विरोध करेंगे, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ था जी। और देर रात जैसे ही सुनीता दुग्गल की टिकट रतिया से अनाउंस होती है उसके बाद लक्ष्मण दास नापा ने पार्टी छोड़ दी है जी। चलिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए नाराजगी अब उन सभी विधायकों की देखी जाएगी जिनकी टिकट कटी है और कहीं ना कहीं ये लाजमी भी है, इसका खामियाजा भी देखिए बीजेपी को भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब बात की जाए लक्ष्मण नापा की, तो वो आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं।